तो आइए दोस्तों आप जानते हैं कि WWE के इस पेपरव्यू किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन से सरप्राइजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो दिल थाम के बैठिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि किंग ऑफ द रिंग कब देगा। तो किंग ऑफ द रिंग देगा आज रात 10:30 बजे से, और इसे हम Sony 10-1, Sony 10-3 और Sony Live ऐप पे भी देख सकते हैं। तो आपका मन चाहे आप जहां भी इसे देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों आप बात करते हैं पहले मैच के बारे में, जो कि एक क्विंग ऑफ द रिंग का मैच। और इस मैच में सबसे ज्यादा चांस यही है कि नाया जैक्स इस मैच की विनर बनेंगी और नाया जैक्स बनेंगी न्यू क्वीन। और जैसा कि हम लोग ट्रिपल एच की अनाउंसमेंट जानते हैं कि ट्रिपल एच ने ये अनाउंस कर दिया है कि जो भी किंग एंड क्विंग ऑफ द रिंग बनेगा उसे समर स्लैम में टाइटल मैच मिलेगा। तो नाया जैक्स न्यू क्वीन बनेगी और नाया जैक्स चैलेंज करेगी बेली को, और समर स्लैम में होगा बेली वर्सेस नाया जैक्स का मैच। तो आइए दोस्तों आप जानते हैं कि किंग ऑफ द रिंग कौन बनेगा। किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए मैच हो रहा है द वाइपर रैंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर के बीच में। जब तक ट्रिपल एच ने यह अनाउंस नहीं किया था कि इस मैच का विनर जो भी बनेगा, यानी कि जो किंग बनेगा, उसे टाइटल मैच मिलेगा समर स्लैम में, तब तक ये लग रहा था कि गुंथर रैंडी ऑर्टन को हरा देंगे और गुंथर बन जाएंगे न्यू किंग। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब इस बात के काफी ज्यादा चांस है कि रैंडी ऑर्टन गुंथर को हरा सकते हैं और रैंडी ऑर्टन बन सकते हैं न्यू किंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, रैंडी ऑर्टन चैलेंज करेंगे कोडी रोड्स को समर स्लैम 2024 में। वैसे भी रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। इस स्मैकडाउन में हमें इसका प्रीव्यू भी देखने को मिल चुका है कि कैसे कोडी रोड्स ने रैंडी ऑर्टन से हाथ मिलाया था। यानी कि WWE हमें ये इशारा कर रही है कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा समर स्लैम 2024 में। लेकिन इस मैच में हमें मिल सकता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट ये हो सकता है कि गुंथर को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर रिटर्न आ सकते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेस्नर, और ब्रॉक लेस्नर के इंटरफेरेंस की वजह से रैंडी ऑर्टन गुंथर को हरा सकते हैं। और समर स्लैम में फिक्स हो सकता है ब्रॉक लेस्नर वर्सेस गुंथर का मैच। ये मैच भी समर स्लैम के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे रैंडी ऑर्टन भी जीत जाएंगे और ऐसे गुंथर का पुश भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि गुंथर के नए ओपोनेंट के रूप में नजर आएंगे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेस्नर। अब आप लोग भी कमेंट में बताइए कि ब्रॉक लेस्नर के रिटर्न के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। कमेंट करके इन सारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। अब आइए बात करते हैं कोडी रोड्स वर्सेस लोगन पॉल के मैच के बारे में। किस मैच में कौन जीतेगा, क्या लोगन पॉल सबको शॉक कर पाएंगे, क्या लोगन पॉल कोडी रोड्स को हरा के न्यू WWE चैंपियन बन पाएंगे या नहीं। इसका जवाब बहुत सिंपल सा है, और इसका जवाब है ना। कोडी रोड्स को कभी भी लोगन पॉल हरा नहीं पाएंगे और कोडी रोड्स लोगन पॉल को हरा के बन जाएंगे न्यू चैंपियन। लेकिन इस मैच में कोडी रोड्स को मिल सकता है एक बहुत बड़ा सरप्राइज। ये रूमर्स आ रही है कि कोडी रोड्स के लिए रिटर्न आ सकते हैं अंकल हाउडी। अंकल हाउडी के रिटर्न को लेके काफी ज्यादा रूमर्स है, और कहा जा रहा है कि अंकल हाउडी अब कोडी रोड्स के लिए रिटर्न आ सकते हैं। और WWE में रिटर्न आने के लिए सऊदी अरेबिया से ज्यादा अच्छी जगह अंकल हाउडी के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन सबको ये जानना है कि क्या रूमर इस किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में रिटर्न आएंगे या नहीं। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रूमर इस के रिटर्न आने के काफी ज्यादा चांस है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के बाद समर स्लैम आने वाला है, और रूमर इस समर स्लैम में ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वैसे भी रूमर इस और ब्लड लाइन की फ्यूड को अगर आगे बढ़ाना है तो रूमर इस का रिटर्न आना बहुत जरूरी है। तो इसलिए किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में WWE फैंस को सरप्राइज देने के लिए द हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रूमर एग्स भी रिटर्न आ सकते हैं। अब आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि रूमर एग्स के रिटर्न को लेके आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आपसे 10:30 बजे रात में किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।